महाकाल गरबा समिति द्वारा नवरात्रि के मौके पर गरबा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन पिछोर में कराया गया। महाकाल गरबा समिति द्वारा नवरात्रि के मौके पर गरबा नृत्य का आयोजन पिछोर नगर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछोर SDOP प्रशांत शर्मा की धर्मपत्नी सब इंस्पेक्टर प्रियंका शर्मा रही। कार्यक्रम की शुरुआत में महिला शक्ति संगठन और मुख्य अतिथि द्वारा दुर्गा माता का पूजन किया गया। इसके बाद समिति के सदस्य द्वारा मुख्य अतिथि प्रियंका शर्मा का स्वागत किया गया। उसके बाद कार्यक्रम शुरू करवाया गया। गरबा नृत्य में लगभग 1 दर्जन से अधिक ग्रुपों ने हिस्सा लिया। गरबा कार्यक्रम में सभी ग्रुपों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान महिला शक्ति संगठन के सदस्य पूनम के राजौरिया ने सभी पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आयोजन में शामिल होने वाले सभी ग्रुपों के पत्रकारों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महिला शक्ति संगठन के अध्यक्ष पूनम के राजौरिया ने बताया कि महाकाल गरबा समिति द्वारा पहली बार इस तरह का आयोजन नगर में कराया गया है। आगे भी इस भव्य रूप की तरह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में महिला शक्ति संगठन की ओर से अध्यक्ष पूनम के राजौरिया ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों और कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली माता और बहनों का आभार व्यक्त किया। सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। लगातार आप महिलाओं के लिए आगे रहती हैं, नारी शक्ति में आपकी बहुत रुचि है। आज ये आयोजन नवरात्रि पे गरबे का जो आयोजन आपने कराया पिछोर में, क्या कुछ कहेंगी इस बारे में? इस गरबे सभी को पहले तो नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक माता एक शक्ति का रूप है और गरबा भी जो प्रतीक है माँ का शक्ति के रूप में ही और एकता के रूप में ही गरबे का रूप मनाया जाता है। इसलिए मैंने चाहा कि महिलाएं एक क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे आगे आए, तो गरबा भी करवाया और गरबे करवा कर सभी को आयोजन करा कर और मतलब पार्टिसिपेट करा के आगे ही ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। मतलब इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमेशा होते रहेंगे। मातृशक्ति को लेके हमेशा मैंने काम किए हैं और आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे।